elder brother Kentaro. Ding ding. मैं समझ गया तुम्हें क्या चाहिए। शिंजो तुम बहुत लकी हो, तुम्हारा इतना अच्छा बड़ा भाई है। भैया ये रहे आपके पैसे जो मैंने आपसे लिए थे। इसकी कोई जरूरत नहीं है, लीजिए ना। कोई बात नहीं, रख लो। थैंक यू सो मच भैया, कितने अच्छे हैं। केनिची क्या कर रहे हो? हम सब देख रहे हैं ना, टीवी क्यों बंद किया है? क्या हुआ केनिची? मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है, काश होता। हम सब यहाँ केनिची के लिए इकट्ठा हुए हैं। उसे कुछ गलत फहमी हुई है, वो हमें दूर करनी है, समझे? गलत फहमी? किस बारे में? असल में केनिची को कुछ दिनों से बड़े भाई की कमी महसूस होने लगी है। बड़े भाई की कमी? जी हाँ, और वो चाहता है कि कोई उसकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, वरना मामला और बिगड़ जाएगा। हाँ, केनिची से और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि केनिची का दिल इतना साफ है कि वो बड़ा भाई होने के नुकसान के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा है। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि इस मामले में मैं केनिची की और आप मेरी मदद करेंगे। हाँ? हाँ, हाँ, क्यों नहीं। सबसे पहले किसी जवाब के बारे में सोचना होगा। अरे वाह, केनिची कितना क्यूट लगता था। चलो हम सब एक एक करके अपनी तैयारियाँ शुरू करते हैं। केनिची की आँखें ऐसी लगती हैं। ये ये लो बेबी का कैप। मुझे लग रहा है जैसे मैं फिर से जवान हो गई हूँ। सही कहा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। क्यों हथौड़ी, क्या बोलते हो? सच सच बताओ, मैं केनिची का 3 साल बड़ा भाई लगता हो कि नहीं? बिल्कुल, तुम एकदम उसके बड़े भाई लग रहे हो। जरा बताओ हथौड़ी, ये पोस्ट ठीक है ना? हाँ हाँ, एकदम परफेक्ट फैमिली है। अब मैं फोटो खींच रहा हूँ। ओके नेक्स्ट। चलो अब सारी तैयारियाँ पूरी हो चुकी है, आप सब लोग मेरी कल मदद करना, ठीक है? केनी जी चलो उठो, अब मैं कहता हूँ उठो, ये कुछ करने का नहीं है। क्या कर रहे हो? बस करो, मुझे क्यों मार रहे हो? कौन हो तुम? मुझे नहीं पहचाना, मैं तुम्हारा बड़ा भाई केंटारो हूँ। बड़ा भाई? मुझे पता है तुम हथौड़ी हो और तुमने अपना हुलिया बदल लिया है। मम्मी देखो ये हथौड़ी। क्या हुआ केनिची, क्या किया मैंने? कुछ नहीं। केनिची संडे की सुबह तुम्हें जल्दी उठकर और जल्दी खाकर बाहर खेलने जाना चाहिए, समझे? चलो। तुम्हारा बड़ा भाई ठीक कह रहा है केनिची, जाओ जाकर मुंह धोकर आओ। मम्मी 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 थोड़ा और दो ना। केनिची अपने बड़े भाई की तरह सब कुछ खाना सीखो। मम्मी ये लड़का मेरा। केनिची संभल कर, तुम्हारा सूप देखो। बैड मैनर्स केनिची। अपने बड़े भाई से कुछ तो सीखो केनिची। पापा आप भी? मुझे नहीं खाना। मजा आ गया। ये हो क्या रहा है? वो अजनबी लड़का मेरा बड़ा भाई कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। अब अपना नाटक खत्म करने का वक्त आ गया है। ओके ओके केनिची चलो कैच कैच खेलते हैं। मुझे नहीं खेलना। क्यों क्यों नहीं खेलना है तुम्हें? नहीं भी खेलना है तो मैं कह रहा हूँ, इसलिए खेलो, खेलो मेरे साथ। केनिची बड़ा भाई जो कहता है वो करो। क्या मुसीबत है? अरे केनिची। हाँ, देखकर कितना अच्छा लग रहा है कि उसका बड़ा भाई उसके साथ खेल रहा है। केनिची का बड़ा भाई बहुत समझदार है। केनिची सच में लकी है जो उसका ऐसा बड़ा भाई है। ये क्या हो रहा है? चलो अगले काम के लिए। इस बार हम अलग अलग बनकर आएंगे। ओ, बड़ा भाई होना कितनी अच्छी बात है। इसका बड़ा भाई अच्छा लड़का है। लगता है उसका बड़ा भाई बहुत ही समझदार लड़का है। हाँ, सही कहा। वो कितना शांत है और वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है। हाँ, सच में केनिची का बड़ा भाई बहुत अच्छा लड़का है। बस बहुत हो गया ये सब। हाय युमिको, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज छुट्टी है तो कहीं घूमने चले आ रहा।
हाँ, क्यों नहीं? मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। देखो मेरी बात सुनो। ओह केनिची, तुम कब आए? बस बहुत हो गया, मुझे बड़ा भाई नहीं चाहिए क्योंकि सब मुझे उससे कंपेयर करते हैं। अब उसने मेरी दोस्त भी छीन ली, मुझे बड़ा भाई नहीं चाहिए। लगता है केनिची के सर से बड़े भाई का भूत उतर गया। हमारा थैंक यू सो मच। नहीं कोई बात नहीं, अब इसके बदले हथौड़ी को मेरी मदद करनी पड़ेगी। केनिची अब गहरी नींद सो जा। मम्मी मेरा बड़ा भाई कहाँ है? ये क्या कह रहे हो, क्या अभी नींद में हो? ये बात है, मैं सपना देख रहा था। मैं इकलौता हूँ, अरे मैं इकलौता हूँ। मैं इकलौता हूँ, मैं इकलौता हूँ। लेकिन फिर भी बड़ा भाई होना कितनी अच्छी बात है। हाँ हाँ क्यों नहीं, पर अगर मेरे जैसा बड़ा भाई है तो बिल्कुल सही। डिंग डिंग।